दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ऐसा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी भाई दूज, सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो आपका। आज है भाई दूज और हम भाई दूज की तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली मैं अपने भाई से भी दूर हूँ, वो मेरे से भी दूर है, बट फिर भी मैं व्रत हूँ और पूजा भी करूँगी। तो आप सब कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जब भाई पास में ना हो तो भाई दूज की पूजा कैसे की जाती है। चलिए फिर तैयारी कर लेते हैं, नहा धो के रेडी हो जाते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे। तो मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी और अभी सबसे पहले बांध रही हूँ कलावा मेरे सबसे बड़े भाई को। तो सबके भाई हैं मेरे बस में, अभी दिखाती हूँ आपको। मैं हर साल एक करती हूँ, राखी भी हो तो भी, क्योंकि मैं सबसे दूर हो सकती हूँ बट इनसे कभी दूर नहीं हो सकती। मैं इनसे कोई दूर रह ही नहीं सकता। ये बन गया मेरा पहला कलावा, ये बन गया मेरा पहला कलावा साईं बाबा को। टीका लगा लेते हैं, हो गया। अब मेरे भाई के कलावे की तैयारी कर लेते हैं, मैं तैयारी करके मिलती हूँ आपसे। तैयारी पूजा की, इसीलिए तो हम आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं। नारियल को भाई के समान माना गया है, भाई का प्रतीक, इसलिए अगर भाई पास में ना हो तो नारियल की पूजा कर लें। गंगा जल से पहले शुद्ध कर लिया हमने, भाई पास में नहीं है तो मैंने उसके लिए प्रसाद रख दिया है। अब पास में होता तो उसे उसकी इच्छा के अनुसार उसका फेवरेट खाना खिलाया जाता। ऐसे अगर जिसके पास मतलब दूर हो भाई, जिसका भाई दूर हो तो वो निराश ना हो। मैं भी बहुत रोई पर क्या करें, हो जाता है कभी कभी ऐसा। पर अगर दूर हो भाई या बहन दूर हो, मिल ना पा रहे हो भाई दूज के दिन, तो आप ऐसे ही कर सकते हो। नारियल को भाई का प्रतीक माना गया है तो नारियल को आप रख के सेम जैसे भाई की पूजा की जाती है वैसे पूजा करिए। अगर आप खाना बना सकती हैं तो खाना भी चढ़ा दीजिए, भोग लगा दीजिए, जो भी जैसा भी हो आपके भाई का फेवरेट डिश। तो मैंने ये पूजा कर लिया है,
देख सकते हैं आप। नारियल पे कलावा बांध दिया है टीका लगा के। भगवान मेरे भाई को हर बुरी बला से बचाए, दुनिया के जितने भाई हैं सबको बुरी बला से बचाए। मेरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।